हाय गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज साहिल रॉय एंड यू आर वाचिंग एयू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज मार्केट। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मार्केट किसे कहा जाता है और मार्केट की एक अच्छी खासी डेफिनेशन क्या है, मार्केट के कितने कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि मार्केट क्या है तो आप इसका क्या जवाब देंगे, तो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है मार्केट के लिए जिसे हम समझेंगे आज, और हो सकता है आपको याद भी हो जाए क्योंकि बहुत ईजी डेफिनेशन। मार्केट के लिए कहा जाता है कि मार्केट इज अ प्लेस और अ प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, मार्केट इज अ प्लेस और अ प्लेटफॉर्म। मार्केट एक प्लेस है या एक प्लेटफॉर्म है। प्लेस का मतलब कोई भी ज्योग्राफिकल प्लेस, ठीक है, और कोई प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत होती है, तो मार्केट इज अ प्लेस और अ प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हो गई, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है। तो मार्केट इज अ प्लेस और अ प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स मतलब जो सामान खरीद रहे हैं, सेलर्स जिनको सामान बेचना है, कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो मार्केट एक फिजिकल जगह है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सामान बेचने वाले और सामान खरीदने वाले एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और उनका मोटिव क्या होता है, सामान बेचना और सामान खरीदना, उसे हम मार्केट कहते हैं। मार्केट की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें 5 कॉन्सेप्ट्स की आज हम बात करेंगे, जो मेनली 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है प्लेस कॉन्सेप्ट, दूसरा है एरिया कॉन्सेप्ट, तीसरा है डिमांड कॉन्सेप्ट, चौथा है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, और पाँचवा है पीपल कॉन्सेप्ट। इन 5 कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे। तो अगर हम प्लेस के हिसाब से मार्केट का कॉन्सेप्ट समझेंगे या जानेंगे, तो प्लेस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केट जो होता है वो एक हाट होता है, एक बाजार होता है, या कोई एक शॉपिंग मॉल होता है, ठीक है। तो ये हो गया प्लेस कॉन्सेप्ट, जिसके बेसिस के ऊपर हम मार्केट को समझते हैं। मैंने शॉपिंग की कहाँ से की, मैंने मॉल से शॉपिंग की, ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। मैंने पैंटालून से शॉपिंग की, मैंने बिग बाजार से शॉपिंग की, तो दिस इज प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा था एरिया कॉन्सेप्ट। अब एरिया कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है यूरोपियन कॉमन मार्केट। तो यूरोपियन कॉमन मार्केट यूरोप में है, जो एक कॉमन मार्केट है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो इट्स अ एरिया कॉन्सेप्ट, ठीक। जैसे हम इलाहाबाद में रहते तो हम बोलते हैं ना सिविल लाइन्स में शॉपिंग किया हमने, तो इट्स एन एरिया कॉन्सेप्ट। किस एरिया से आपने शॉपिंग किया, हम पर्टिकुलर दुकान की बात नहीं कर रहे, हम एरिया की बात कर रहे हैं। हमने चौक से शॉपिंग किया, हमने कटरा से शॉपिंग किया, हमने घंटा घर से शॉपिंग किया, तो ये एरिया वाइज है, एरिया के हिसाब से हमने लोकेशन मार्केट को डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने पर्टिकुलर दुकान का नाम नहीं लिया, पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं लिया, हमने एरिया की बात की कि भैया हमने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ इस पर्टिकुलर एरिया से खरीदी है। जैसे बेसिकली होता है ना, सिविल लाइन्स हो गया या कोई बहुत पॉश मार्केट एरिया हो गया, तो दैट इज एरिया कॉन्सेप्ट। तीसरा डिमांड कॉन्सेप्ट। तो डिमांड कॉन्सेप्ट में आता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड समझते हैं ना, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सम टोटल डिमांड। साल भर में किसी भी गुड्स या सर्विसेज का टोटल डिमांड क्या हो गया, दैट इज एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, ठीक है, बेसिकली इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में हम क्या बात करते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, कॉमोडिटी एक्सचेंज, तो ये जो एक्सचेंज मार्केट होते हैं उनकी बात होती है। स्टॉक एक्सचेंज हो गया, कॉमोडिटी एक्सचेंज हो गया, ठीक है, तो ये हो गया एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। और लास्ट में पीपल कॉन्सेप्ट। पीपल कॉन्सेप्ट में बायर है, सेलर है, मिडिलमैन है, ठीक है। तो बायर भी मार्केट को फॉर्म कर रहे हैं, सेलर्स भी मार्केट को फॉर्म कर रहे हैं, और मिडिलमैन भी मार्केट को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पीपल कॉन्सेप्ट। ये थी हमारी मार्केट की डेफिनेशन और 5 तरीके के कॉन्सेप्ट। होपफुली बहुत ईजी था। एक बार कंक्लूड कर देते हैं, मार्केट इज अ प्लेस और अ प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम मार्केट कंसिडर करते हैं। उम्मीद है आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।